अभिनेता
कृष्ण बलदेव की जय, नंदे शोदा मैया की जय। जय परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णु पाद इक्ष्वाकु श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीलाभ विष्णु पाद इक्ष्वाकु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ क्षण गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय। जय सारस्वत गौड़ी आचार्य वृंद की जय। जय एकादशी तिथि वरा की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। जय अपने अपने परम आराध्य श्रील गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीलाभ विष्णुपाद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीलाभ विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीलाभ विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीलाभ विष्णुपाद ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय नित्य लीलाभ विष्णुपाद भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। नित्य लीलाभ रुष्ट पूज्य पात्र दंडी स्वामी भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीलाभ विष्णुपाद भक्ति निकेतन त्रयाश्मी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो वंदना अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंद्रावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्ये प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलित पादानां भूमिरेव यवलंबनम् त्वय जातय अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद की जय। जय सर्वोपनिषद की जय हो। आपके पास है? कहाँ है बाकी? नीचे मत रखो। द्वितीय अध्याय 30वां श्लोक 30 नंबर श्लोक। कल हमने 30वां किया था, आज 31वां। स्वधर्ममपि चावेक्षया नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्याधि योद्धा श्रेयो अन्यत्र क्षत्रस्य न विद्यते। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेतत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि।
अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादरिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच पादांश्च बहून वदिष्यन्ति त्वाहिता निन्दस्तत्त्वा समर्थं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे भवहिं तद्मादुदिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुखे समाये कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजुत्स्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहाससि नेहा अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि नन्दना बहुशाखा है अनन्तश्च बुद्धयो अवसायिना यामि मां पुष्पिता वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीतिवादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेरैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया बृहत् चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण भवय अर्जुना निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निरयोगक्षेमयात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संतुक्लोदके त्वान् सर्वान् सर्वेश्वरेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गो अस्त्वत्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि कसङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरे न है वरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धो शरणं अविच्छिन्न कृपया फलहेतवे बुद्धियुक्तो जयातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विरमुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यत्ति गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिश्च केशव किं प्रभाषेत किम् आसीत ब्रजेत किम् श्री भगवान उवाच प्रदाहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मा तृष्टो सत्प्रज्ञस्य तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नः मनः सुखेषु विगतः स्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र स्नेहस्ततः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनिन्दन्दिति न द्विष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुरुमो अङ्गाणिव सर्वशा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
विषया भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्यम् रसो अप्ययस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो हयेऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मना तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्ते अस्तु विषयानि इन्द्रियेण आत्मवश्यैव विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्युपजायते प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाच भावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणि तदस्य हरन्ति प्रज्ञां वायुर्नाभिमम्बसि तस्मात्तस्य महाबाहो निगृतानि सर्वशा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमानश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नयनां प्राप्यं विमुह्यति स्थितात्वस्य अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति ॐ श्री परमात्मने नमः ईशावास्योपनिषद हम लोग ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय विशिष्यते ओम शांतिः शांतिः शांति ही। इस उपनिषद में हम लोग अठारह श्लोकों से ये उपनिषद संपूर्ण हुई है जिसमें से हम लोग आज चतुर्थ कल हो गया था चतुर्थ और पंचम श्लोक आज पढ़ेंगे। कल क्या क्या हमने चिंतन किया था अगर इसका समराइज किया जाए पांच लाइनों में कर सकते हो आप पांच लाइनों में कल तक जो हमने सुना
ये बात हमने कल तक श्रवण किया था कि वो परमेश्वर जिन्होंने संपूर्ण आकाश महाआकाश इत्यादि जिनसे है और सर्वव्यापक है, सर्वत्र हैं, उनको कोई भी नहीं जान सकता। यहाँ तक कि देवता अगर दौड़ते 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 कहीं जाकर के उनको पकड़ना चाहें, कहते उनसे भी बहुत आगे वो हैं। और फिर आया, ये तो भगवान के बारे में था, फिर आया कि उन्हें क्या जाना जा सकता है। कहते हाँ, अगर उनका प्रसाद है, सब कुछ उनका है, इस भाव से जो वस्तु है वो भोगें, प्राप्त करें, और जो भी कर्म हैं वो सारे के सारे कर्म उनको समर्पित करते हुए, उनको लक्षित करते हुए करेंगे, तब जा करके ना कर्म लिप्यते नरे, उनके लिए 100 साल की जीने की इच्छा रखते हुए जो भी कर्म है त्वय एवं उनके त्याग भाव से जो व्यक्ति करता है वो मुक्त हो जाता है। नहीं तो कहते जो इसके विपरीत चलता है उसे असुर कहते हैं। असुर मतलब जो अपने आप को ही गति मानता है, अपने आप को ही परमेश्वर मानता है। अब आप देखिए, पहले ईशोपनिषद के अंदर ये बात कही है, असुरिया नाम तिलोका अंधेन तमसा भ्रता तांस अस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचा आत्महनो जन्या। वो आत्महन जन है, अर्थात आत्महत्या करने वाले लोग हैं, जो लोग उस परमात्मा को नहीं मानते, वो सब असुर हैं, नरक योनियों में जाने लायक है। अब प्रश्न होता है, आगे के उपनिषद के अंदर और उपनिषदों में उनको ना मानने वाले, उस परमेश्वर को ना मानने वाले और स्वयं को परमेश्वर मानने वालों की ही महिमा है सारी। 90% उपनिषदों में स्वयं को ही वही है, मैं वही हूं, अंत में ये जो कुछ भी है वही है। जब सब कुछ वही है तो नरक कहां है? नरक भी तो वही हुआ। कोई भी चीज तो अगर बाहर नहीं है तो सब कुछ तो उसी के अंदर है। कहते नहीं, इससे ये पता लगता है, अगर नरक है, स्वर्ग है, जहां अन्य उच्च और निम्न योनियां हैं, इससे ये पता लगता है कि जीवों के लिए समझाने के लिए एक बात है, एक तत्व है, कि हम लोग इस बात को समझ के रहें कि हमें जो ऋषियों ने कहा है, उन ऋषियों में से किन ऋषियों की वाणी को स्वीकार करना है। ऋषि ज्ञान मार्ग के भी हैं, कर्म मार्ग के भी हैं, योग मार्ग के भी हैं, नास्तिक ऋषि भी हैं। ऋषि का मतलब क्या होता है? जिन्होंने कुछ इन्वेंट किया, क्या बोलते हैं, आविष्कार किया, जिन्होंने कुछ बनाया, वो ऋषि। आजकल के युग में वैज्ञानिकों को आप ऋषि कह सकते हैं, उन्हें ना खाने की सुध ना पीने की सुध, किसी एक बीच में लगे रहते हैं, घुसे रहते हैं। इसी प्रकार पहले भी ऋषि लोग जो हैं, ना खाने की सुध होती थी, ना पीने की सुध होती थी, एकदम लगे रहते थे जिस भी तत्व में लगते थे, तो वो चाहे वो जड़ तत्व था, चाहे वो चेतन तत्व था, चाहे वो सूक्ष्म तत्व था, उन तत्वों का उन्होंने गवेषणा की, मतलब उनके अंदर वो घुसे और उनके बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और हमें इन उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान दिया। तो वेदों में जो ज्ञान वास्तविकता में, जिसे ज्ञान शब्द हम लोग वैष्णव लोग प्रयोग करते हैं, जो ज्ञान की बात कही है, वो ज्ञान वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की बात है, अर्थात जीव ब्रह्म ही है, इसकी बात है। तो भगवान ने क्यों, अभी हमने श्लोक पढ़ा, भगवान ने गीता में कहा, त्रैगुण्य विषय वेदानिस्त्रैगुण भव अर्जुन, अर्जुन तीन गुणों के अधीन ये सारे के सारी बातें हैं जो वेदों में हैं, निस्त्रैगुण भव, इन तीन गुणों से ऊपर उठ। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि ये भी एक तरह का अभिमान है, रजोगुण है, कि मैं ही वो हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये भी एक तरह का रजोगुण है, इसे भी हमने त्यागना है।
हमारे श्रीधर जी गोस्वामी महाराज जी कहते थे, त्याग को भी त्यागना है, भोग को भी त्यागना है। हम ना तो त्याग को, हम ना त्यागी हैं ना भोगी हैं, हम तो भगवान का प्रसाद लेने वाले हैं। तो जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने वाला है, जब भगवान के अनुसार चलने वाले हैं, वो भक्त हैं, उनके बारे में यहां पर आज कल हमने श्रवण किया था। आज हम चलते हैं परमेश्वर की उस अचिंत शक्तिमत्ता तथा व्यापकता का प्राकरण अंतर से पुनः विवेचन द्वारा उसका वर्णन। तत् एजति तन्नेजति तद् दूरे तद् त्वदन्ति के तद् अंतरस्य सर्वस्य विदु सर्वस्या अस्य बाह्यता। आपको याद है, कहते तत्, अच्छा ये कल हमने पढ़ा था, वो चलते हैं और एक ही जगह स्थित है, कल हमने इसको श्रवण किया था। कहते हैं वो दूर से भी दूर हैं, दूर से भी दूर और नजदीक से भी नजदीक हैं। ये कैसे हैं, इस बात को अगर प्रूफ करना चाहें, आपके पास में कोई उदाहरण है? या कह रहे हैं वो चलते हैं, उनकी गति बहुत ही तीव्र है, इतनी तीव्र है कि उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता, इतनी तीव्र है, और वो चलते ही नहीं, कहीं जाते नहीं, एक। और दूसरा, वो दूर से भी दूर हैं उन अंत के, और अत्यंत समीप भी हैं। तत् वे अस्य सर्वस्य, वह सर्वस्य अर्थात समस्त जगत में है, भीतर भी परिपूर्ण है और बाहर भी परिपूर्ण है। इसका कोई उदाहरण आपके पास है कि वो सर्वत्र हैं और एक ही जगह है? ब्रह्मांड लीला, अच्छा विश्व रूपा ब्रह्मांड, ये अच्छा अच्छा उदाहरण है। मुख में भगवान ने ब्रह्मांड दिखलाया, ब्रह्मांड के अंदर माँ यशोदा दिखलाई, माँ यशोदा उसके कान को पकड़ रही है और मुंह खुलवा रही है कृष्ण का, और उस कृष्ण के मुंह में एक और ब्रह्मांड है। ऐसे करते हुए अनंत ब्रह्मांडों को ही भगवान ने अपने मुखारविंद में दिखा दिया कि मैं कहीं भी नहीं हूं, सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मुझसे है, लेकिन मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं तेरे पास हूं। तो भगवान सर्वत्र होते हुए भी कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान अपने भक्त के अधीन है, किसी और के अधीन नहीं है। यहां पे यह आत्म तत्व अचल रहकर भी चलता हुआ सा जान पड़ता है, अज्ञानियों के लिए अपर्याप्त होने से बहुत दूर, और ज्ञानियों का आत्मा होने से समीप है। महाकाश में घटाकाश की भांति भीतर और बाहर वही है, एक दूसरे विद्वान ने अर्थ किया है। दूसरे सब उनसे भय प्रकंपित रहते हैं, पर वे किसी से भय से कांपते नहीं। वे दूर भी हैं, समीप भी हैं, सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। जैसे आकाश हमारे भीतर भी है, बाहर भी, हवा हमारे भीतर भी है, बाहर भी, लेकिन हवा भी एक लिमिट में है, उस लिमिट के बाहर आकाश है, आकाश में सारा ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड आकाश में है, और आकाश सारे ब्रह्मांडों के एक एक जर्रे में भी है, है ना? जिस प्रकार से, इसी प्रकार से कहने का मतलब, भगवान परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे के सारे ब्रह्मांड उनसे हैं, उनमें हैं और उनके द्वारा हैं। उनके द्वारा कैसे हैं? उनकी शक्ति के द्वारा। उनकी शक्ति के द्वारा कैसे हैं कि
प्रत्येक ब्रह्मांड के कण कण में कहते हैं ना, हर कण में परमात्मा है। कैसे है वो? कण कण में जीवात्मा है, और वो जीवात्मा उसी का अंश होने के नाते, उसी का अंश होने के नाते आत्मनि परमात्मवाच्य है। आत्मा तो आत्मा ही है ना, परम लगा दिया भगवान के आगे, बस है तो आत्मा ही। जैसे व्यक्ति तो व्यक्ति है, महान लगाने से वो व्यक्ति तो व्यक्ति रहेगा, महान उसका एक विशेषण हो गया, नहीं समझे? तो आत्मा मतलब ईश्वर। आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मा क्या है? आत्मा क्या हुआ? ईश्वर। कैसे ईश्वर? जिसके पास ईशता है। ईश का मतलब होता है शक्ति। आत्मा क्या है? ईश्वर है। और परमात्मा क्या है? परमेश्वर है। जैसे ईश्वर और परमेश्वर शब्द है, ऐसे आत्मा और परमात्मा शब्द है। उसमें भी पर लगा, इसमें भी पर लगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से इस दृष्टि से देखा जाए तो सर्वव्यापक है आत्मा। जहां भी देखेंगे हर कण कण में आत्मा व्याप्त है। अगर आत्मा व्याप्त है तो वहां पर परमात्मा की सत्ता है, इसलिए आत्मा व्याप्त है। परमात्मा की क्या है? सत्ता है, इसलिए आत्मा। ध्यान देना, एक बड़ी सुंदर बात आई, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो कहते भूत किसे कहते हैं? नॉर्मली साधारणतया से भूत उसे कहते हैं जिसने प्राण धारण किए, जिसने देह धारण कर रखी उसे भूत कहते हैं। उसे जीव कहते हैं जिसने जीवन धारण किया हुआ है, जिसने जीवन धारण किया है। लेकिन अगर जीवन धारण नहीं किया तो क्या है? वो जीव नहीं है, वो ब्रह्म ही है। समझे नहीं समझे? ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब चेतन, सच्चिदानंद। तो जब सब सच्चिदानंद है तो कहीं भी क्या वो है नहीं? है। जैसे हम कहते हैं ना आत्मा में परमात्मा है। तो एक प्रश्न आया था ये स्वामी महाराज जी के पास में, उन्होंने कहा कि आत्मा का खंड नहीं हो सकता, आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। वो श्लोक है ना गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन्यम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, वो किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, उसका भाग नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न है यहां पे, अगर भाग नहीं हो सकता तो उसके भीतर परमात्मा है, ये क्या है? कारण जब बोलते हैं फिर बिल्कुल अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट। लेकिन जब बोलते हैं आत्मा अंतर्यामी, आत्म अंतर्यामी जब शब्द परमात्मा के लिए आता है, उसका अगर हम कारण से लेंगे तो अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आत्मा की शरीर थोड़ी कि उसके अंदर परमात्मा आ जाए, आत्मा एक तत्व है जो परमात्मा का प्रकाश है। ये अगर आ जाता है ना तो क्लियर हो जाता है। लेकिन कई लोग इसको कैसे लेते हैं? आत्मा के हृदय में रहते हैं। और बड़ा ही विचित्र ये श्लोक है, इस श्लोक को अगर विचार करेंगे, ईश्वरः सर्व भूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भूतानाम मतलब जो पहले था वो अब नहीं है, वो भूतानाम अर्थात पहले जो तत्व था वो अब नहीं है, अब उसने धारण किया हुआ जीवन, उनके हृदय में रहता है। अब इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय में कौन निवास करता है? आत्मा। कौन निवास करता है? मैं। तो कहते हैं वहां परमात्मा भी है साक्षी रूप से, यह भी कहा गया।
परमात्मा साक्षी रूप से कैसे, कारण स्वरूप होने के नाते साक्षी रूप से। कारण स्वरूप होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने उदाहरण कई बार देता हूं, जैसे ये मोबाइल है हमारे, जितने भी मोबाइल हैं, करोड़ों मोबाइल एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, करोड़ों मोबाइल कहां पे क्या क्या कर रहे हैं अगर वो कंपनी देखना चाहे तो उसे पता लगेगा, देखना चाहे तो उसे पता लगे कौन कहां क्या क्या कर रहा है, क्या उसके साथ मोबाइल के साथ हो रहा है। जिस प्रकार से एक कंपनी का करोड़ों के साथ संबंध है, उसी प्रकार क्योंकि वो कारण है इन सब सिम का, सिम कार्ड्स का, ढक लीजिए, वो कारण है। उस दृष्टि से परमात्मा कारण है, कारण होने के नाते वो साक्षी हैं। हाँ वो आएगा इसमें, इसमें आएगा द्वै द्वापरणों है उसमें, कि एक वृक्ष पे डाल पे बैठे हुए दो पक्षी। वृक्ष कौन सा है, शरीर। डाल कौन सी है, अंतःकरण। बैठे हुए दो पक्षी कौन से हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है, आत्मा को परमात्मा कहा गया है या मन को आत्मा कहा गया है, वो बात आगे जाके हम चिंतन करेंगे आने आने वाले समय में, ये बहुत सुंदर एक चर्चा आने वाली। आज जो है ये मन को वहां पे आत्मा कहा गया है जहां आत्मा को आत्मा कहा गया, और आत्मा को परमात्मा कहा गया है, परमात्मा नहीं परमेश्वर कहा गया, जहां ईश्वर कहा गया, जहां परमेश्वर को वहां पे ईश्वर कहा गया। अगर सर्वत्र सबके हृदय में वो साक्षी रूप से विराजमान है, केवल साक्षी के रूप में विराजमान है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब उस साक्षी के अनुसार ही हो रहा है, उसी के अनुसार हो रहा है। तो वो सारी चीजों का हम लोग, यही है उपनिषद जिसका इतना गहन मतलब चिंतन है कि आदमी अगर चिंतन करे डूबी जाए, निकल ही ना पाए। तो ये अगले जो दो मंत्र बोले जा रहे हैं उसमें उस परमेश्वर को जानने वाला जो है उसकी स्थिति का वर्णन है, जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थिति थी, अभी अभी पढ़ा था, ऐसे उसकी क्या स्थिति है, जो भगवान को जानता है, परमेश्वर को जानता है, वो कैसा दिखता है, उसके बारे में। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजुगुप्सते बीजुगुप्सते। एक तो संस्कृत के जो शब्द है ना, ऐसे करके जिह्वा को ऐसे ऐसे करके मरोड़ना पड़ता है। आप लोगों को सिखाया गया ना, क्या लड़िंग लोंग क्या है वो, संस्कृत सीखना बहुत जरूरी था। कहते हैं परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही देख निरंतर देखते हैं और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखते हैं, उसके पश्चात अब कभी भी किसी से घृणा नहीं करते। ये भी कल हमने चिंतन किया था थोड़ा सा, दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, है? समदर्शी वाली कल बात आई थी। यहां पे बात है, परमात्मा शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहां परमात्मा शब्द को अर्थ में लिया गया है, ये देखने वाली बात है। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मा अन्यैव अनुपश्यन्ति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न बीजुगुप्सते। सर्वाणि भूतानि आत्मनि, सब भूतों प्राणियों को परमात्मा में ही देखता है। जैसे सब लोगों को, समस्त ब्रह्मांडों को कोई व्यक्ति अगर देख रहा है तो कहां देख रहा है, सारे ब्रह्मांड तारे नक्षत्र कहां दिखाई दे रहे हैं, आसमान में, आकाश में, है ना, सबको किस में देख रहा है, आकाश में। और सबके भीतर उसी आकाश को जब देखता है, कैसे देखता है, आकाश सबके भीतर है कि नहीं,
नहीं है। आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, जहां पे खालीपन हो, जहां हवा वगैरह कुछ नहीं हो। जो हमारा दिमाग है ना, इसमें आकाश है, मतलब इसमें ऐसा ऐसा एक वातावरण बना हुआ है जिसमें कोई हवा नहीं है। केवल उस आकाश के कारण ही हम इधर से उधर सोच सकते हैं। जो हमारी तरंगे चलती हैं वो आकाश के कारण चलती हैं। तो जैसे दिमाग में आकाश है, हम नाक से सांस लेते हैं, अगर सांस ना लें, सांस को रोक लें, तो रोकी हुई जगह पे हवा नहीं है, तो क्या है? आकाश है, खाली जगह है। ऐसे ही हमारे सारे शरीर में खून दौड़ रहा है। जो खून दौड़ रहा है, उस खून का दौड़ना जो है वो हवा से नहीं दौड़ता है कि उसमें हवा चल रही है, वो आकाश, वो उसमें स्पंदन जो होता है, एक के बाद एक जो धड़कन दौड़ रही है, वो एक तरह का प्रेशर है। वो प्रेशर जो है, तरंग जो है, वो आकाश का ही एक क्रिया है। तो आकाश बाहर भी है और अंदर भी है। इसी प्रकार से जो महापुरुष लोग हैं, वो देखते हैं संपूर्ण जीव जगत जो है उसी परमात्मा में है, और वही परमात्मा जो है सब जीव जगत के अंदर है। तो किससे द्वेष करेंगे? वो तो शरीर को भी अगर देखेंगे, उसको भी चिन्ह में देखेंगे। शरीर के अंदर प्रत्येक कण को देखेंगे तो उसको चिन्मयता नजर आएगी, कहीं जड़ है ही नहीं। जो जड़ दिखता है वो उसके कारण से दिखता है। ये कल हमने चिंतन किया। यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मन, यस्मिन सर्वाणि भूतान्य आत्मैव हुद्विजानता तत्र को मोह कः शोका एकत्वम अनुपश्यतः। जिस स्थिति में ब्रह्म, परब्रह्म, परमेश्वर को भलीभांति जानने वाले महापुरुष अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप हैं ही हैं ऐसा समझते हैं, उस अवस्था में एकता का, एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा शोक रह जाता है? वे शोक मोह से सर्वथा अलग हो जाता है। यहां पे इन्होंने परमात्मा 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 शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वास्तविकता में है शब्द प्रयोग हुआ आत्मा। श्लोक में शब्द आत्मा का प्रयोग हुआ है और यहां व्याख्या में ये लोग परमात्मा शब्द ले रहे हैं। यही अंतर आता है एक वैष्णव महापुरुषों के द्वारा की गई टीका में और एक जो ब्रह्मज्ञानी या ज्ञान मार्ग के लोग हैं उनके द्वारा की गई टीका में, इतना ही अंतर आता है। यस्मिन सर्वाणि भूतान भूतान्या आत्मैव अभूत विज्ञानता, अभूत विज्ञानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता। तो यहां आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां पे जो पुरुष सब प्राणियों में परमात्मा में और सब प्राणियों को वो निर्भय हो जाता है, फिर उसकी रक्षा की कोई चिंता नहीं रहती। दूसरा किसी महापुरुष ने बोला है, जिस समय आत्म स्वरूप में परमार्थ तत्व को जानने वाले की दृष्टि में समस्त प्राणी आत्मभाव को ही प्राप्त हो गए होते हैं, उस अवस्था, उस समय, उस आत्मा में कहां मोह रह सकता है, कहां शोक रह सकता है? ये एक और किसी महात्मा की इन्होंने टीका नीचे अलग से दी है, उसमें कह रहे हैं, जो आत्मा का दर्शन करता है, मैं जैसा हूं आप वैसे हैं, जिस दिन मैं ये दर्शन कर पाऊंगा उस दिन शरीर आपका आपसे अलग क्रिया कर रहा है और आप जो गालियां दे रहे हैं आप नहीं दे रहे हैं, आपका शरीर में कष्ट हुआ मेरे कारण से, जहां आपके मन में अज्ञानता आई किसी कारण से, बुद्धि में अज्ञानता आई किसी कारण से, उस अज्ञानवश आप उससे प्रेरित होकर के बुद्धि के द्वारा या मन के द्वारा क्रिया करते हुए ये शरीर के द्वारा आप बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, ये जिसका दर्शन हो पाएगा, ये बड़ा गंभीर दर्शन है। एक बार मैं
मठ में जब नया नया आया था तो हमारी माता ने हमारी परीक्षा ली, होशियारपुर में हम लोग गए थे, मेरे को लगता है 89-88 की बात है, 1988, तो 88-89 की बात है। कहते अब तो तेरे को इतने दिन हो गए मठ में, क्यों 2-3 साल हुए थे, सुना अब कुछ कथा सुना। मैं कहा ठीक है बैठ जाओ। तो वहाँ 3-4 माताएं बुड्ढी बुड्ढी हमारी माँ की तरह ही उम्र वाली बैठ गई, हाँ चल तू सुना उनकी सुने तू सुना जरा। तो मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, उसी वक्त वो परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी और हमारे भिक्षु महाराज जी अभी जो पहले अनंग प्रभु थे, तो उनके साथ उसी विषय पे तर्क हुआ था चंडीगढ़ मठ में। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा तार्किक था, मतलब हर बात को समझने के लिए प्रयास पूरा करता था, अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा तो वो उसका चिंतन दिमाग में चलता ही रहता था, वो मतलब रुकता नहीं था। तो मैंने उन्हें बोला कि संसार में लड़ाई का कारण, दुख का कारण केवल क्या है, अभिमान। कैसे है? बड़ा सुंदर भगवान ने श्लोक बोला, उसका अर्थ बड़ा ही दिव्य था उस वक्त जो प्रकाशित हुआ। प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमानानि, जो प्रकृति है वो क्रियमान है, वो कर्म करवाती है। त्रिगुण आत्मक जो प्रकृति है ना, त्रिगुणात्मक जानते हो, 3 गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन से, सत्वगुण रजोगुण और, ये 3 गुण है। ये 3 गुणों के द्वारा ये त्रैगुण्यमयी जो प्रकृति है ये ऐसे कठपुतली की तरह नचाती है जीवों को। तो कहते जो गुण जो हैं, त्रिगुणमयी माया जो है, जब प्रकृति ही नचा रही है तो मनुष्य का क्या दोष है जी? तो मनुष्य कुछ कर रहा है, है? मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखो ये जो प्रकृति करा रही है ना, ये जिस दिन समझ आएगा कि ये प्रकृति कराने का अर्थ क्या है, उस दिन ही मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकारी है विमूढ़ आत्मा है जो करता हम इति मन्यते। निकालना प्रकृति क्रिया मानने वाला श्लोक, शब्द इसका शब्दकोश किधर है इसको मालूम है, श्लोकों का जो, हाँ ये रहा। ये 3rd का 27th। पढ़िए सुदामा जी, पढ़िए 3rd का 27th श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति अन्यते इति मन्यते। ठीक है, अर्थ पढ़िए। विद्वान और अविद्वान इन दोनों में भेद बता रहा हूँ, तुम श्रवण करो। प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाने वाले समस्त कर्मों को अविद्या द्वारा माया में फंसा हुआ जीव अहंकार वश अपने द्वारा किया हुआ मानता है, मैं करता हूँ ऐसे अभिमान करता है, यही अविद्वान का लक्षण है। भावानुवाद। अच्छा, यदि विद्वान और अविद्वान दोनों के ही कर्म करना पड़ता है तो दोनों में अंतर ही क्या है, क्या रहा? इसी का उत्तर इसी श्लोक में दे रहे हैं। सब कार्य जो कि प्रकृति के गुणों के द्वारा कार्यशील इंद्रियों के
माध्यम से किए जा रहे हैं। यह विद्वान जानता है कि किंतु अविद्वान पुरुष सभी कार्यों को अपने द्वारा किया गया मानता है, अर्थात अपने आप को कर्ता मानता है। क्या अर्थ समझे? मृदंग नीचे करिए, मृदंग लेटा दीजिए। किसी का भी कर्ता जो है, यहाँ तो बात अच्छे बुरे की बात नहीं है। इसमें पॉजिटिव वे मिलेगा ना कि कोई भी कार्य किया हुआ अभिमान से वो अपना मानता है, अभिमान करता है ये मैंने किया, इसीलिए उसको कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। लेकिन बुरा काम कोई कर दे, विमूढ़ आत्मा इसलिए तो बोला। अहंकार ही होता है ना, मैंने मतलब बुरा काम करके थोड़ी ना उसके अंदर दैन्यता आती है, जो बुरा काम करने वाला उसके अंदर नहीं। यहाँ का अर्थ अलग है, ये मैं स्वामी महाराज जी वाली बुक है, यहाँ पे देखो ये जो हम लोग चिंतन कर रहे हैं, मैंने क्यों उठाया इस सब्जेक्ट को, यहाँ पे ये बात आई है कि जब प्राणी मात्र में आत्मदर्शन करता है, प्राणी मात्र में जब आत्मदर्शन करेगा तब उसके अंदर कहीं भी मोह नहीं हो सकता है, उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये गलत है ये सही है, ये जो इसने किया वो गलत किया मेरे साथ, मैं इसके साथ गलत करूंगा, मैं बदला लूंगा, वो बदले वाली बात नहीं आ सकती उसके अंदर, ये भाव ही नहीं आ सकता। यहाँ प्रकृति क्रिया मानने वाला, मैं जानबूझ करके इस विषय को उठा रहा हूं कि इसके साथ में सत्ताईस नंबर है ना, देखते हैं स्वामी महाराज जी ने क्या लिखा है। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है, वह ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा कृष्ण की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक और मानसिक कार्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण सेवा में तत्पर होने चाहिए। या एकदम चेंज कर दिया व्याख्या को। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, उसको पहले समझ लें कि एक ही पद पे दो व्यक्ति हैं, मैनेजर हैं, दो मैनेजर एक ही कंपनी में। एक सोचता कि मैं अपनी योग्यता से यहां पर आया हूं, पहुंचा हूं, मैंने इतना वो किया, और दूसरा कहता भगवत कृपा से मेरे को ये नौकरी मिल गई,
उसके अंदर अभिमान नहीं है। मैं प्रभु की सेवा, मेरे को भगवान ने जहाँ लगाया मैं अपना सेवा करूँगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए मेरा धर्म है, ये कृष्ण भावना में भावित जो जीव है उसके अंदर का भाव। और दूसरा कहता है मैंने योग्यता से प्राप्त किया, मैंने अपने क्वालिटी है मेरे अंदर, मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ, ये भी काम बढ़िया कर रहा है। दोनों में मान लो बराबर जैसी स्थिति है, परंतु एक के अंदर अभिमान शून्यता है और दूसरे अंदर के अंदर अभिमान भरा हुआ है। कहते जो अभिमान भरा हुआ है वो मूड है, विमूड है। प्रश्न ये हो रहा है भाई, आप कह रहे हैं आपकी प्रकृति करा रही है, आपकी क्या करा रही, प्रकृति करा रही। जब वो प्रकृति करा रही है तो दोष अहंकारी का कहां से हुआ? वो करता समझे अपने आप को तो उसको अहंकारी क्यों कहेंगे? प्रकृति करा रही है तो कर्म तो प्रकृति क्रिया करा रही, भावना नहीं बना रही। तो क्रिया करा रही है, लेकिन वो जो भावना कर रहा है अहंकार वाली, वो तो भावना है, वो क्रिया थोड़ी है। भाव वो भी क्रिया है, भाव भी क्रिया है, मन की क्रिया है, भाव भी अहंकार जो है क्रिया है, अहंकार को क्रिया लिया जाता है। इसमें एक मैंने उस वक्त जो बोला था उसको याद कर रहा हूँ मैं आज, इसको देख करके उस चीज को जो मैं समझा हूँ उसे एक विचार करके ध्यान देखते हैं। देखिए तीन प्रकार की प्रकृति है, कौन कौन सी है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों प्रकृति को क्या कहा है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, जड़ा प्रकृति, इस संसार को चलाने वाली प्रकृति। ठीक, इसमें से क्रिया कौन कर रहा है? वास्तविकता में देखा जाए अगर कोई व्यक्ति मेरे पे नाराज हो रहा है, जब मेरे को बेवजह से गाली दे रहा है, जब मेरे दोष ना होने पर भी मेरे पे दोषारोपण कर रहा है, उस वक्त मुझे क्रोध आ सकता है तमोगुण के कारण, मुझे क्रोध आ सकता है तमोगुण के कारण। लेकिन अगर मैं विचार करूं तो मैं ये विचार कर सकता हूं ये बेचारा कुछ नहीं, इसका दोष ये तो तमोगुण के कारण इसकी बुद्धि के ऊपर क्या पड़ गया है, पर्दा पड़ गया है, एक तमोगुण करवा रहा है। तो तमोगुण क्या हुआ? प्रकृति का एक एक गुण हुआ। रजोगुण, अभिमान के कारण कोई व्यक्ति दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, और मैं उस चीज को, अगर विद्वान व्यक्ति है जो आत्मज्ञानी व्यक्ति, वो जानता है, वो देखता है कि अरे जो वस्तु मेरी है ही नहीं, मैं उसे दान क्या करूँगा, ये तो प्रभु की सेवा की वस्तु है और प्रभु की सेवा में जानी चाहिए, और लोगों की सेवा करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरा अभिमान क्यों होगा? वो उसको पश्यति, पश्यति ना पश्यति, देखते हुए नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता व्यक्ति कर रहा है, वो क्या देखता है? कौन करा रहा है? प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति का दूसरा अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति का दूसरा अर्थ क्या है? कैसे है? अग्नि की प्रकृति जलाना, दिखलाना। जल की प्रकृति तरलता और स्निग्धता, जहां भी पड़ेगा गीला हो जाएगा। तो ऐसे ही एक प्रकृति का मतलब है स्वभाव। स्वभाव बनता है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से। जब भी कोई व्यक्ति क्रिया करता है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से करता है। विद्वान व्यक्ति देखता है कि ये क्रिया जो ये जो कर्म कर रहा है ये सतोगुण के कारण कर रहा है, रजोगुण के कारण कर रहा है, तमोगुण के कारण कर रहा है। विद्वान व्यक्ति इसको देख सकता है, लेकिन जो मूड है वो नहीं देख पाता है कि मैंने जो काम किया वो मेरा तो तमोगुण के चक्कर में मैंने गलत कर दिया। वो कहता मैंने किया, देखता हूं मैं। सतोगुण भी अगर उसके अंदर आएगा क्षण भर के लिए या समय के लिए, अच्छा भी किया अगर उसने है, कीर्तन भी किया, देखा मैंने कीर्तन किया कितने लोग इकट्ठे हो गए, तो करा कौन रहा है? स्वभाव, प्रकृति, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण जब क्रिया करवाते हैं, विद्वान व्यक्ति समझता है कि ये प्रकृति करवा रही है, इसका स्वभाव करवा रहा है। अगर इसको निर्गुण वैष्णवों का संग मिल जाए, इनको श्रेष्ठ वैष्णवों का संग मिल जाए, तो इसका ये प्रकृति बदल सकती है, समझे नहीं? और अगर ये संग नहीं मिलेगा तो ये प्रकृति बदलेगी नहीं। तो ऐसे ही इस संसार के अंदर लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा जो कारण होता है, उस क्षण तो हो सकता है आवेश आए, लेकिन अगले ही क्षण अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि ये गड़बड़ हो गई है,
तो अगर आप अभ्यास करते हैं कि उस प्रकृति से, उस तमोगुण रजोगुण से निकलने का प्रयास करते हैं, तो आप तुरंत जा करके आगे की क्रिया शुरू कर दें, पिछले की भूल जाएं। ये अभ्यास है। तो ये है विद्वानों का कार्य कि जो देख पाते हैं रजोगुण से हुआ, सतोगुण से हुआ, तमोगुण से हुआ, अथवा इनके मिश्रण से ये क्रिया नहीं हो गई है, ये बेचारे का कोई दोष नहीं। गुरु जी ने एक बात एक बार कही थी मुझे, मैंने मतलब थोड़ा स्वभाव ऐसा होने के नाते मेरा गलत जब भी कोई बात होती तो हाथ उठता है, अब तो बहुत कम हो गया। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, देखो बहुत गलती होने से भी हाथ नहीं उठाना, ठीक है। मैं अब सुन तो लिया, मैंने महाराज जी आप कृपा करें। तब गुरुजी ने एक ऐसी बात बोली, मैं मतलब उसको जब भी मैं भूल भी जाऊं ना, बाद में तुरंत उसे याद करता हूं। गुरु जी ने ऐसी एक दिव्य बात बोली, फिर कहते देखो व्यक्ति खराब नहीं है, दर्शन देखिए क्या है, व्यक्ति खराब नहीं, उसका कर्म खराब है, वो कर्म नहीं करना, व्यक्ति खराब नहीं। तो देखो उन्होंने कर्म को व्यक्ति से अलग समझा, हम व्यक्ति के कर्म को व्यक्ति समझ बैठते हैं, बात समझे नहीं। किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, गलत काम किस लिए किया, हम उस किस लिए को ना देख करके, उस किस लिए के ऊपर हमारा रोष या गुस्सा या घृणा ना हो करके, हम व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति को घृणा करने लग जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति मार रहे दूसरे व्यक्ति, उसको हाथ जोड़ रहे, पाम पकड़, भाई मेरे को मत मारे, क्यों मार रहे भाई, मेरे को छोड़ दिए भाई, तब भी वो मानता नहीं, फिर वो जो विनती, जो व्यक्ति विनती कर, वो फिर क्या करेगा, उसके साथ मारेगा, मानना चाहिए, मानना चाहिए, उसमें वो नहीं देखना चाहिए जो आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें देखो दो चीज है, मरने मारने की जहां बात आती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, उस वक्त आत्मरक्षा सबसे पहला कर्तव्य होता है, आत्मरक्षा सबसे पहला कर्तव्य उस वक्त होता है जब मरने मारने की बात आती है। लेकिन बाद में क्या चिंतन आता है, जैसे आपको याद है एक बार मेरे यहां पे खून निकल आया था, चाबी घुस गई थी, सारा खून ही खून हो गया था, मैंने क्या बोला था, उस वक्त तो हालत खराब हो गई थी। ऐसे ही एक बार जो है इलाहाबाद के अंदर जब जा रहा था तो गाड़ी से उतार करके मारा था लोगों ने, मुसलमानों ने, याद है ना, मुंह वहां एकदम फूट फूट गया था, सब सूज गया, फूल गया, तो मैंने बोला मैंने निश्चित रूप से कोई ऐसे कर्म किए हैं, मेरे को फल मिल गया। उस वक्त के लिए आत्मरक्षा जरूरी है, लेकिन उसके बाद में आप व्यक्ति से द्वेष ना करें, बात ये उसको, उसका एक दर्शन अलग हो सकता है, दर्शन अलग कैसे होता है, तत्ते अनुकंपाम सुसमिक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मैंने ही कोई ऐसा विपाक किया था जिसका फल मुझे ये मिला है, उस व्यक्ति के द्वारा मिला, लेकिन वो व्यक्ति उसमें दोषी नहीं है, व्यक्ति के कारण करछी ने मेरे को दो बार गिरा दिया खीर, अरे करछी का दोष नहीं है, देने वाले ने दिया है, ठीक है, मेरे कर्मों ने उस व्यक्ति के माध्यम से मेरे को ये फल दिया है, मेरे कर्मों ने दिया है, ये भाव भक्त का होता है, हर किसी का नहीं होता, हर कोई व्यक्ति विमूढ़ आत्मा, वो कहता है ये उसने किया है, अरे उसकी प्रकृति ने कराया, प्रकृति ने कराया मतलब कराया तो किया तो उसने, समझे नहीं, खेत वाले से घर पे जाए माफी मांगे, तुरंत माफी मांगे, साथ साथ उसका मतलब दवाई वगैरह का हिसाब किताब किया, और उसको हमेशा जब भी हम देखते हैं, देखने से क्या आता है मन में, हाथ जुड़ जाते हैं कि भी मेरे से गलती हुई, अगर वो मारते मेरे को तो मेरे को क्या सोचना चाहिए था, मेरे को यही, और मैं यही सोचता हूं हमेशा, क्योंकि गुरुदेव ने एक बुद्धि दे दी, गुरु कहते व्यक्ति गलत नहीं है, व्यक्ति की क्रिया गलत है, वो क्रिया हम ना करें, ये गलत क्रिया है, क्रिया नहीं करनी है, क्रिया गुरु जी के शब्द थे, और जो दोष है व्यक्ति को नीचा दिखलाना एक बात है, और चोरी की लेकिन वह क्या बोलते हैं उसको,
चोरी की चोरी नहीं, चोरी गलत है, चोरी करना क्रिया गलत है, क्रिया गलत है, व्यक्ति सही है। व्यक्ति कैसे सही है जी, जिसने चोरी की वो चोर कैसे सही हो सकता है? उस टाइम उसकी बुद्धि नहीं थी। ये बात अगर सोच करके हम क्रिया करेंगे तब वो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वाली क्रिया हो जाएगी, महापुरुषों की क्रिया होगी। महापुरुषों के पास जाके दुष्ट से दुष्ट भी क्यों सुधर जाते हैं? याद है वो कटहल चोरी करने वाला प्रभुपाद जी के मठ में आया था, मालूम है? नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी इस धरती पे थे उस समय, चैतन्य मठ से एक आदमी जो है पीछे से आकर के कूद करके कटहल चोरी करके ले जाता था, खाता था। ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, जब महात्माओं ने देखा यार जैसे ही कटहल बड़ा होने लगता है तोड़ के कोई ले जाता है, एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, पीटने लगे। प्रभुपाद कहते क्या होता, हल्ला क्यों हो रहा है? वो पकड़ के प्रभुपाद के पास ले गए, प्रभुपाद ये देखिए ये ठाकुर जी का कटहल चोरी करके ले जाता है। कहते हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, देखा ओहो ये तो बहुत, इसके घर में खाने को भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो उस थोड़ा चावल दो, चावल ले जाने दो, जाओ ले जाओ, चोरी करने का जरूरत नहीं है, तुम तो भगवान का भक्त प्रसाद ले सकते हो। वो इतना जबरदस्त सेवक बना, भक्त बना, उसने अपना पूरा जीवन ही दे दिया, मतलब उसका परिवार का हर बच्चे का बच्चा भी जो है भगवत सेवा में लग गया, स्वभाव ही बदल डाला। ये होता है महापुरुष का, दोष को देख करके उसके अंदर का जो गुण है वो जगाना, भक्ति जगा देना, ये दर्शन होता है। तो इसलिए प्रकृति क्रिया मानाने का अर्थ है जो प्रकृति करती है, स्वभाव जो उसका बना किस लिए, स्वभाव वो ऐसे वातावरण में ना। अब जैसे हम हैं मठ में हैं, मठ में होने पर भी अगर मैं सत्संग ना करूं, मैं हरिनाम ना करूं, मैं कथा कीर्तन आरती ना सुनूं और बस मैं अपना काम किया, जैसे नौकर होते हैं काम किया और इधर उधर फालतूगिरी के काम में लगा रहूं, पैसा लिया अपना मेरा काम हो गया, मैं 3,000 रुपये मेरे को मिलता, 4,000 मिलता है, मैंने क्या लेना देना, अब मरो जो करना, मैंने अपना काम कर दिया। अगर इस तरीके से रहूंगा तो क्या होगा, तो मैं साधु संग कर पाऊंगा नहीं, मेरा स्वभाव जो बनता जाएगा क्या वो बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। इसलिए यहां पे कहते हैं कि यस्मिन कर्माणि भूतन्यात्मैव अभूत विजानता, अपने जैसा ही है वो भी। जब मेरे से गलती होती तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को प्रभु माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने गलती कर दी। जब मेरे अंदर ये भावना आती है तो हो सकता दूसरे में आए या ना आए, जब मैं क्षमा चाहता हूं तो मैं क्षमा क्यों ना करूं। जब मेरे को अपने दोष को छुपाने का दिल करता है, अपने आप को अच्छा बन के दिखाने की इच्छा होती है, तो मैं दूसरे के दोष को छुपा करके उसको अच्छा क्यों ना देख पाऊं। ये है विद्वान का दर्शन, एकत्वम अनुपश्यतः, एक ही देखता है, आत्मवत अपनी तरह देखता है उसको। वंशा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। चार बार महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।